द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज जब हम मिथाइलमीन विच इज सी एच थ्री एन एच टू एंड फोजीन विच इज सी ओ सी एल टू को आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा सी एच थ्री एन सी ओ विच इज मिथाइलाइसोसाइनेट एंड अलॉन्ग विद एच सी एल विल बी फॉर्मड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ एक कंपाउंड है ए जिसकी हाइड्रोलिस करने पे हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं इनमें से जो एक कंपाउंड है अगर हम उसको ट्रीट करें विद सोडियम नाइट्राइट एंड एथसीएल तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट देता है विच नॉट रिस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म टेस्ट और जो सेकेंड कंपाउंड है वो रिड्यूस करता है टॉलेंस रिएजेंट को भी और फेलिंग सोलूशन को भी तो हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कंपाउंड ए द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर वन हाइड्रोलिस करेंगे इसकी एसिडिक मीडियम में तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा एन एच टू एंड सात में एच सी ओ ओ एच दिस इज प्रोपाइलमीन एंड दिस इज फॉर्मिक एसिड नाउ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे विद एन ओ टू एंड एच सी एल दैट इज बेसिकली विद एच एन ओ टू तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी डाईजाइजेशन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा यहाँ पे ऑबियसली बिकॉज इट इज नॉट अलटोन ना ही ये एक सेकेंडरी एल्हल है तो इट विल नॉट गिव अड है इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्टीहाइड्रिक ग्रुप इट विल गिव अ पॉजिटिव टॉल रिएजन टेस्ट एंड फेलिंग सल्यूशन टेस्ट क्वेश्चन नंबर थर्टींथ मैंडियस रिएक्शन कन्वर्ट्स एन अल्काइल साइनाइड टू रिएक्शन में अल्काइल साइनाइड रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन विच आर नेसेंट और यहां पे फॉर्म क्या होता है सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू विच इज अ प्राइमरी अमीन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर फोर्टींथ इथाइलमीन की रिएक्शन करवानी है पी टी सी एल फोर के साथ और एयू सी एल थ्री के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एल और बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनता है जब इथाइलमीन पीटीसीएल फोर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एथ सी एल तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा एक डबल सॉल्ट यहां पे फॉर्म होगा एंड जब इट रिएक्ट्स विथ AuCl3 थ्री दैट इज ऑरिक क्लोराइड तो यहां पे क्या फॉर्म होगा दिस इज मिथाइल अमीन क्लोरोप्लेटिनेट एंड दिस इज मिथाइल अमीन ऑरिक क्लोराइड विच इज ऑप्शन नंबर 1. Question number 15. Primary, secondary, and tertiary amines can be distinguished by option number 1. Hoffman's reagent, which is diethyl oxalate. Option number 2. Acetyl chloride, which is CH3COCl. And option number 3. Hinsberg reagent, which is benzene sulfonyl chloride. So, Hoffman's reagent for separation of primary, secondary, and tertiary amines and Hinsberg reagent. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में शो हो रहा है सो so, यहाँ पे लेट सी द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड क्लोराइड प्राइमरी अमीन फॉर एग्जाम्पल सी टू एच फाइव एन एच टू विद सी एच थ्री सी ओ सी एल टू एलिमिनेट एच सी एल फ्रॉम हेयर एंड साथ में क्या फॉर्म होगा सी टू एच फाइव एन एच सी ओ सी एच थ्री दैट इज An amide derivative is formed. Whereas in case of secondary amines, an amide is formed. Whereas in case of tertiary amines, बिकॉज यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है इसीलिए टर्सरी अमीन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन सो बेसिकली ऑल दिस मैथड्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स दैट इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ऑप्शन नंबर वन प्राइमरी अमीन्स गिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन वेयर एज अमोनिया डज नाट दिस इज अ करेट स्टेटमेंट बिकॉज कार्बाइल अमीन रिएक्शन है दैट इज यूज टू डिटिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एक फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड इज प्रोड्यूस्ड कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑप्शन नंबर टू अमोनिया रिएक्ट करता है विद नेट टू फॉर्म ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट वेयर अमीन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट अमोनिया स रिएजन दैट इज के टू एच जी आई फोर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ के ओ एच टू फॉर्म एच जी ओ एच जी एन एच टू आई साथ में के आई एंड साथ में वाटर दिस इज नोन एज आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस विच आर ब्राउन रेसिपिटेट ऑप्शन नंबर थ्री नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व वेन बोथ अमोनिया एंड प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद एच एन ओ टू जब हम अमोनिया दैट इज एन एच थ्री की रिएक्शन करवाएंगे एच एन ओ टू के साथ तो यहाँ पे क्या बनेगा एन एच फोर एन ओ टू साथ में एन टू गैस विल बी रिलीज एंड साथ में वाटर विल बी फॉर्म एंड वहीं अगर हम प्राइमरी अमीन फॉर एग्जाम्पल सी टू एच फाइव एन एच टू की रिएक्शन करवाएंगे एच एन ओ टू के साथ तो यहाँ पे सी टू एच फाइव ओ एच साथ में वाटर एंड साथ में एन टू विल बी फॉर्म्ड सो ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सेवनटींथ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर वन बोथ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर नो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो साइनाइड्स होते हैं दे आर सोलिबल इन वाटर, वेयर एज आइसोसाइनाइड्स होते हैं दे आर इन सोलिबल बिकॉज यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल वेयर एज इन केस ऑफ साइनाइड्स देर अकर्स एन इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन नंबर टू बोथ अल्काइल साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिस गिव कार्बोक्सलिक एसिड तो जब हम अल्काइल साइनाइड की हाइड्रोलिस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे आर सी ओ ओ एच और वही अगर हम यहाँ पे आर एन सी दैट इज आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिस करेंगे तो हमें मिलेगी यहाँ पे एक प्राइमरी अमीन एंड साथ में फॉर्मिक एसिड ऑप्शन नंबर थ्री रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स गिव प्राइमरी अमीन्स वेयर एज रिडक्शन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड गिव सेकेंडरी अमीन्स तो अल्काइल साइनाइड रिडक्शन करवाई आर सी एच टू एन एच टू प्राइमरी अमीन मिली और अगर यही हम आर एन सी आइसोसाइनाइड के रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आर एन एच सी एच थ्री विच इज अ सेकेंडरी अमीन सो ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर थ्री तो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं सो क्लियरली द इन करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑनली ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर एटीन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ऑप्शन नंबर वन ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन बाय कैरोस एसिड विच इज एच टू एस ओ फाइव गिवस नाइट्रोसोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन बाय एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल केएमेनोफोर

Along with nitrobenzene is formed. So, option number 2 is an incorrect statement. Option number 3 oxidation of aniline by sodium hypochlorite gives para amino phenol. This is also a correct statement. Option number 4 oxidation of aniline by chromic acid gives para benzocunone. This is also a correct statement. So, clearly the incorrect statement is only option number 2. क्वेश्चन नंबर ऑफ द द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट होगी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बिकॉज यहां है इट कैन बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड कैन बी स्टेबिलाईज्ड सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इज ऑप्शन नंबर वन है बेंजोइक एसिड ऑप्शन नंबर टू इज नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन नंबर थ्री इज टोलुइन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज बेंजीन। ना यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे बेंजीन रिंग पे और इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी यहाँ पे सीओ और एनओ दोनों ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं whereas ch3 is electron donating group and will increase the reactivity towards electrophilic nitration so the correct answer to this question is option number 3 so this is it for this video